फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बहुत साधारण ढंग से गाजर का हलवा बना रहे हैं, जो आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। और सर्दियों के मौसम में गाजर तो हमारे बहुत अच्छी आ रही है, तो हम बनाते हैं। ये हमारे 1 किलो गाजर थे फ्रेंड्स, इसको हम कद्दूकस कर लिए हैं। इस तरह के कद्दूकस से, महीन वाले से हम कर लिए हैं। आज की जो बीच वाली थी येलो पार्ट, वो सारे निकाल दिए हैं। ये जो इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, ये हमने सारे निकाल दिए हैं। ये हमारे 1 किलो गाजर थी, ये लाल वाली गाजर है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लाल वाली लेंगे। और यहाँ हम इसके लिए 300 ग्राम चीनी लिए हैं, और ये 250 ग्राम खोए है, इसे भी हम कद्दूकस कर लिए हैं। और ये हमारे बादाम और किशमिश है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, जो जो आपको पसंद हो आप डालिए इसमें, बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ चढ़ा लिए हैं गाजर, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इसमें ज़्यादा डालने का जरूरत नहीं है, मैं बस 1 चम्मच डालेंगे। पानी सूखने तक इसको हम भूनेंगे, चलाते हुए जितने गाजर का पानी है सारा सूख जाना चाहिए। अच्छी तरह चला के अच्छी तरह से भून लेंगे। डाल रहे हैं ये चीनी, बादाम और किशमिश कटी हुई, बादाम और किशमिश डाल देंगे। इलायची के पाउडर डाल देंगे यहाँ फ्लेवर के लिए, इसके स्वाद अच्छा लगेगा फिर। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस हमारे हलवा ये तैयार हो गई है। इसको पूरा कुक करने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। 20 मिनट में ये गाजर का हलवा खोए वाली बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं। देखिए फिर हमारी ये गाजर के हलवा तैयार है, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में।
और इसमें हम ऊपर से भी थोड़ी सी खोए डाल दिए हैं और कटे हुए बादाम। तो आप इसी तरह बनाएं और अपना कमेंट दें हमको कि कैसा बना मेरा गाजर का हलवा, जरूर बताएं। थैंक यू।